Good morning, children. Today I am going to teach you chapter 3 of Moral Science. The story's name is The Cunning Fox. Cunning means chalak. So first we will do the word meaning. Cunning. Cunning means clever, means chalak. Shallow. Shallow means not deep. जो गहरा नहीं होता है उसको कहते हैं shallow. Sly. Sly means cunning, means clever या चालाक. Narrow, narrow means पतला. Not wide, चौड़ा नहीं यानी पतला. Snout, snout जो होता है वो mouth होता है animals का, जैसे pigs का, fox का जो लंबा निकला हुआ mouth होता है. You can see here, this is called snout. ठीक है, ये जो निकला हुआ part है that is called snout, means इनका जो मुंह होता है उसको snout बोलते हैं. So let's start the story. This is a story of a fox and a stork. ये fox है, this is a fox and a stork. So one day this fox invited stork in dinner. अपने यहाँ घर पे वो dinner के लिए उसको बुलाता है and he gave him soup. वो क्या देता है उसको? सूप देता है एक बिल्कुल छोटे से प्लेट में. और ये तो स्टॉक का जो स्नाउट है, स्टॉक का जो बीक है वो बहुत लंबा होता है. इट इज टू लॉन्ग. सो ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक द सूप. उसका जो बीक था वो इस प्लेट के अंदर नहीं जा पा रहा था. सिर्फ उसका जो पॉइंटेड जो था वो एंड जो था बीक का वही उसको टच कर पा रहा था. सी हियर, ही कांट ड्रिंक द सूप. एंड जो फॉक्स है he is drinking very nicely. वो पूरा सूप पी गया आराम से. So stork remained hungry. तो stork क्या हुआ, वो सूप नहीं पी पाया तो वो हंग्री रह गया, भूखा ही रह गया. तो what the fox said, fox ने कहा कि stork मुझे लगता है कि तुमको ये सूप पसंद नहीं है. ऐसी बात तो नहीं थी, सूप तो वो पी ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो प्लेट बिल्कुल गहरा नहीं था, बिल्कुल शैलो था. यहाँ पे शैलो है ना, नॉट डीप, तो बिल्कुल शैलो था. आप देख सकते हो बिल्कुल उसका जो बीक था वो उसमें जा ही नहीं पा रहा था. सो ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक द सूप. तो फॉक्स ने कहा कि तुम्हें ये सूप लगता है पसंद नहीं आई. तो ही स्टेड हंग्री, वो भूखा ही रह गया. लेकिन उसने फिर स्टॉर्क यानी ये सारस ने, स्टॉर्क सारस को बोलते हैं, इट इज अ बर्ड. तो ये फॉक्स को बुलाता है एक दिन, बोलता है कि कोई बात नहीं, नाउ आई एम इनवाइटिंग यू टू डिनर एट माय होम. वो अपने घर पे बुलाता है फॉक्स को डिनर के लिए. नाउ व्हाट स्टॉर्क डिड, स्टॉर्क ने क्या चालाकी की. स्टॉर्क ने जब फॉक्स आया स्टॉर्क के घर पे, ही वाज वेरी हैप्पी दैट टुडे आई एम गोइंग टू हैव अ डिनर इन स्टॉर्क प्लेस. तो ये जो फॉक्स था उसको स्टॉर्क ने बड़ा सा जार दे दिया. You can see here, big jar. Now, the stork was able to drink, क्योंकि इसका बीक जो था, इसका जो चोंच है, वो जार में आराम से चला जाता है और वो सूप को आराम से पी जाता है. But stork, ये जो fox का जो snout है, ये जो मुंह है, ये इसमें नहीं जा पाता है. Now, he remains hungry. तो इस बार क्या हुआ कि fox जो था वो भूखा रह गया, क्योंकि उसका जो जार था उसमें उसका बी, उसका जो माउथ था, स्नाउट था, वो नहीं जा पा रहा था और स्टॉक आराम से सूप पी गया. तो इस स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि दूसरों को भी अच्छा करिए, तभी आपको अच्छा मिलेगा दूसरों से. सो दिस इज स्टोरी ऑफ फॉक्स, कनिंग फॉक्स. कनिंग मीन्स बहुत चालाक फॉक्स था. तो गुड थॉट क्या है, इफ यू वॉन्ट पीपल टू बी गुड टू यू, यू बी गुड टू देम फर्स्ट. अगर आप चाहते हो कि दूसरे लोग आपके लिए अच्छा करें तो आपको पहले उनके लिए अच्छा करना पड़ेगा. सो रीड दिस स्टोरी केयरफुली. थैंक यू.